राम राम। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल, इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं। करनाल, हिसार और झज्जर में अमित शाह की रैली होगी। कुछ देर में करनाल में रैली को संबोधित करेंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अमित शाह रैली करेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं और बीजेपी के पक्ष में लगातार माहौल बनाते नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी इस दौरान तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अब चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में रैली करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस रैली में पहुंचे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तो सीएम नायब सैनी भी इस दौरान मौके पर मौजूद हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अमित शाह की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और अमित शाह रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में शाह माहौल बनाएंगे और जनता से वोट्स की अपील करेंगे। तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं और सीएम नायब सैनी भी इस वक्त मौजूद हैं। तो करनाल से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो काफी अहम शाह का ये दौरा माना जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में शाह जनता से वोट्स की अपील करेंगे। तो बता दें कि 25 मई को हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है, जिसके चलते अब तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। तो करनाल से ये लाइव तस्वीरें जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में शाह कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अब रैली करने जा रही हैं। तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं और सीएम नायब सैनी भी इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही मिनटों में शाह भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें करनाल से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही मिनटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं और करनाल में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा और सीएम नायब सैनी भी मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अब शाह रैलियां कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रैली में पहुंचे और सीएम नायब सैनी भी रैली में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें करनाल से जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पुख्ता हैं और ऐसे में अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। करनाल से लाइव तस्वीरें जहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, वो मौके पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच जाएंगे। तो लगातार अब बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, दिग्गज नेता हैं, वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मंच पर सीएम नायब सैनी नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें जहां पर सीएम नायब सैनी मंच पर पहुंच चुके हैं और करनाल से लाइव तस्वीरें जहां पर भारी हुजूम भी जनता का देखने को मिल रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत की भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर में अमित शाह पहुंच जाएंगे। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रैली में पहुंचे हैं और सीएम नायब सैनी भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो करनाल से लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अब शाह की ओर से रैलियां की जा रही हैं और हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। 25 मई को हरियाणा में 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके चलते अब बड़े चेहरे राजनीति के, दिग्गज नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे, उनकी ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल के दौरे पर हैं, रैली में शामिल होंगे और संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो वहीं आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सैनी भी पहुंच चुके हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी रैली में पहुंचे हैं। तो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, मंच सजकर तैयार है और भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। मंच पर आप देख सकते हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं
तो वहीं सीएम नायब सैनी भी मंच पर मौजूद हैं। कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा से तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर। उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन हमारे पूर्व में मंत्री रहे भाई शीशपाल मेहता जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत एवं अभिनंदन। संजय बटला जी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज करनाल पहुंच रहे हैं। विजय संकल्प रैली बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई है। जिस तरह से चुनावी तपिस अब पूरे चरम पर है, उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब हरियाणा में प्रचार की कमान थमा ली है। तस्वीरें आप देख लीजिए विजय संकल्प रैली के लिए किस तरह से एक बड़ा मंच लगाया गया है। अभी से कुछ समय बाद ही अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रैली को संबोधित करेंगे। करनाल लोकसभा की बात की जाए, इससे पहले भी अमित शाह के कार्यक्रम रखे गए थे लेकिन वो किसी कारणों की वजह से स्थगित हुए थे, लेकिन आज अमित शाह जो है वहां इस विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोगों के बैठने के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और यहां से लोकसभा के जो प्रत्याशी है पूर्व सीएम मनोहर लाल उनके पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी अमित शाह यहाँ चुनाव प्रचार करने आएंगे। अब जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का आगमन जो है वो शुरू हो, चुनाव जो प्रचार का दौर था वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी के बाद एक जो शीर्ष नेता हैं वो हरियाणा में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अमित शाह के बाद राजनाथ सिंह भी आएंगे और आज विजय संकल्प रैली का उत्साह आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और बड़ा पंडाल यहां पर लगाया गया, कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं यहां पर, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह का आज करनाल का दौरा होगा और ये बड़ी रैली जो संबोधित करेंगे, आप देख सकते हैं कि समर्थकों के हाथों में बीजेपी का चिन्ह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कटआउट है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश जो है अमित शाह आज की विजय संकल्प रैली के माध्यम से हरियाणा के लोगों को देने जा रहे हैं। और जिस तरह से बात करें, तापमान की गर्मी लगातार बढ़ रही है, उसके साथ साथ अब चुनावी जो तपिश है वो भी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है और आज जिस तरह से अमित शाह अपना संदेश यहाँ पर देंगे उसका सीधा असर हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा और एक बड़ा संदेश, बड़ा प्रचार अमित शाह आज करने जा रहे हैं। करनाल से महेंद्र सिंह। लाइव तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही मिनटों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद रहेंगे, संबोधित करते नजर आएंगे। तो वहीं सीएम नायब सैनी भी मौके पर मौजूद हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस वक्त मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा दौरा काफी अहम माना जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करनाल के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में मंच पर अमित शाह नजर आएंगे और संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अब शाह रैलियां कर रहे हैं। तो काफी अहम हरियाणा का ये दौरा माना जा रहा है जहां पर 25 मई को हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। तो वहीं अमित शाह के आगमन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर भारी भीड़ अमित शाह को देखने के लिए पहुंची है। करनाल में सीएम नायब सैनी भी इस वक्त मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अब शाह रैली कर रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें करनाल से, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस रैली में पहुंचे हैं। तो करनाल, हिसार और झज्जर में शाह की आज रैली है। तो करनाल में अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में अमित शाह मंच पर नजर आएंगे। तो अपना संबोधन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि करनाल से लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम मनोहर लाल चुनावी मैदान में हैं, जिनके पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा भी
इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और साथ ही सीएम नायब सैनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अब लगातार बीजेपी के बड़े चेहरों की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अमित शाह के आगमन को लेकर, और भारी भीड़ यहां पर समर्थकों की भी देखने को मिल रही है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह के आगमन को लेकर, स्वागत को लेकर अब किस तरह से तैयारियां की गई हैं आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हरियाणवी अंदाज अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। करनाल में सीएम नायब सैनी भी इस वक्त मौजूद है और अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा को आप देख सकते हैं मंच पर, सांसद कार्तिकेय शर्मा मौजूद हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत को लेकर सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं, सीएम नायब सैनी भी मौजूद हैं। तो रैली में सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं और सीएम नायब सैनी की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आएंगे। तो लाइव तस्वीरें करनाल से, हमारे करनाल के जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी ने और पानीपत के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी ने हर ब्लॉक में एक प्रमुख कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई हुई है। मेरी सभी उन ज्येष्ठ व श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं से प्रार्थना है कि वो अपने अपने ब्लॉक में कृपया ध्यान दें और अपने अपने ब्लॉक से हटे नहीं, और चिंता करें कि वो राइट साइड में जैसे सारे बैठ रहे हैं तो लेफ्ट में भी लोगों को बिठाने की कोशिश करें, और जो एक महिलाओं के लिए बीच में ब्लॉक है उसमें हमारी बहनों को कोशिश करें कि हमारी बहनें जो हैं इस सेकंड ब्लॉक में, जो लेफ्ट साइड में सेकंड ब्लॉक है, महिलाएं जो हैं हमारी सारी इस सेकंड ब्लॉक में आ जाएं। सभी प्रमुख कार्यकर्ता कृपया ध्यान दें कि बैठने की व्यवस्था जो है पूरे के पूरे पंडाल में ठीक से करवाएं। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर सीएम नायब सैनी को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, लाइव तस्वीरें करनाल से, और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मंच पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह भी मंच पर नजर आएंगे, संबोधित करते नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट्स की अपील करेंगे। तो वहीं बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाएंगे। तो तस्वीरें लगातार करनाल से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। हरियाणा के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है लोकसभा चुनावों के मद्देनजर। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में शाह रैली करेंगे, संबोधित करेंगे और इस दौरान सीएम नायब सैनी भी मंच पर मौजूद हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। तो अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर नजर आएंगे और संबोधित करते नजर आएंगे। तो वहीं सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अमित शाह के आगमन को लेकर और स्वागत को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो वहीं भारी भीड़ समर्थकों की देखने को मिल सकती है। तो लाइव तस्वीरें करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं सांसद कार्तिकेय शर्मा इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और सीएम नायब सैनी भी मंच पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार अब जो बड़े चेहरे हैं राजनीति के, वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर नजर आएंगे, संबोधित करते नजर आएंगे जनता को और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में मंच पर भी नजर आएंगे। शाह करनाल में लोकसभा सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल और विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए वोट्स की अपील करते अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। तो वहीं सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में रैली को संबोधित करते नजर आएंगे और रैली में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं।
तो वहीं आपको ये भी बता दें कि तीन जिलों के करीब 1500 पुलिस कर्मियों की रैली स्थल पर तैनाती की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और करनाल से लाइव तस्वीरें जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में मंच पर मौजूद रहेंगे, संबोधित करते नजर आएंगे। तो सीएम नायब सैनी को भी आप देख सकते हैं मंच पर, सीएम नायब सैनी भी मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में शाह रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। और लोकसभा का चुनाव है जिसमें करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। और विधानसभा उपचुनाव की अगर बात करें तो नायब सैनी करनाल से उम्मीदवार हैं। तो वहीं अब जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट्स की अपील करते शाह नजर आएंगे। और अब से कुछ ही देर में मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, मंच पर सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद हैं और सीएम नायब सैनी भी मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में शाह रैली करेंगे। तो हरियाणा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और करनाल में लोकसभा सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल और विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए वोट्स की अपील अब से कुछ ही देर में शाह करते नजर आएंगे। तो वहीं सेक्टर 4 स्थित दशहरा ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। रैली में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। तीन जिलों के करीब 1500 पुलिसकर्मियों की रैली स्थल पर तैनाती भी की गई है।